27 दिसंबर को प्रदेश की जयराम सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से 25,000 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन को लेकर बिलासपुर में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंधित भाजपा की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा मौजूद रहे। 27 दिसंबर को प्रदेश की जयराम सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल को जश्न के रूप में मनाने सहित नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जनता को जागरूक करने और कांग्रेस पार्टी द्वारा अफवाह फैलाने के खिलाफ प्रदेश भाजपा द्वारा बिलासपुर में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों व मंडला अध्यक्षों के साथ बैठक की गयी। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर और प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के चलते शिमला में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से 25,000 कार्यकर्ताओं सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी कार्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई। सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रदेश सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। देश की जनता के आशीर्वाद और सहयोग से 2 वर्ष पहले हमारी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट बनी। उस गवर्नमेंट को बने हुए 27 दिसंबर को 2 साल हो रहे हैं, तो इस 2 साल के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने शिमला के रिज मैदान के ऊपर रैली का आयोजन 27 दिसंबर को रखा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ये विशेष रूप से वहां पर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सब नेतृत्व वहां पर पहुंचेगा। हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग जी और सभी MPs, MLAs, पूर्व MPs सब लोगों को निमंत्रण हम लोगों ने दिया है, तो 25,000 से ज़्यादा लोगों कार्यकर्ताओं की रैली हम लोग शिमला में 27 दिसंबर को कर रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने जहां पर मीटिंग रखी थी, हम अपना रिपोर्ट कार्ड 2 साल का सरकार का लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो इन रैली का विरोध कर रही है, इन्वेस्टर मीट का विरोध कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल विरोधी के रूप में आज काम कर रही है, वो नेताभीन और नीतिविहीन पार्टी के रूप में आगे बढ़ रही है, तो उनकी हम सब लोग निंदा करते हैं कि वो लोग झूठे इल्जाम लगा करके भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा विषय जो आज इस मीटिंग का प्रमुख रूप से विषय था, देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुआ है, उसके बिल के बारे में अफवाहें फैला करके इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो सबसे पुरानी पार्टी है, वो जनता को भड़का करके बरगला करके इस देश के अंदर दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है, जो उनकी शुरू से नियत रही है और नीति रही है। जो कभी भी विकास के ऊपर गवर्नमेंट नहीं लेकर के आए, विकास के मुद्दों पे कभी चुनाव नहीं लड़े, समाज को बांट करके इन्होंने राजनीति की, उसी बात को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनसे सारा अधिनियम है क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर निर्णय लिया कि हम डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों के ऊपर बुद्धिजीवी सम्मेलन करेंगे। उसकी शुरुआत शिमला से हम लोगों ने की है, आने वाले दिनों में जिला मुख्यालयों के ऊपर बुद्धिजीवी सम्मेलन होंगे, मंडलों के अंदर बुद्धिजीवी सम्मेलन होंगे, ताकि इस अधिनियम की जानकारी सबको दी जाए और किसी को गलतफहमी ना रहे। ऐसे 2 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में हिमाचल। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस विकास के बजाय दुष्प्रचार की राजनीति कर रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।